जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप बताइए कि आपने इसमें प्रॉफिट बुक किया है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि शेयर प्राइस में ब्रेकआउट होने के बाद शेयर प्राइस लगातार ऊपर जा रहा था, और जब प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हुआ तो फिर प्राइस अब नीचे धीरे धीरे अपने सपोर्ट के पास आ रहा है। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपने इस सिस्टम में प्रॉफिट बुक किया है? इस बार भी आप सिर्फ देखते रह गए। बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस ऊपरी लेवल पर आकर अपना बाई पोजिशन बनाया होगा, यहाँ पे बाई किया होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वो फिर फंस गए होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए अभी इस वीडियो में क्या करना है मैं वो आसान भाषा में बताऊंगा, लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत एकदम शुरू से करेंगे। देखिए, इंडियन इंफोटेक के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये एक कंपनी है जो NBFC में काम करती है। बेसिकली कंपनी के नाम में सॉफ्टवेयर लगा है, उस पर जाने काम जरूरत नहीं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इस पर पहले से बताई हुई, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है NBFC कंपनी है। हालांकि पहले ये सॉफ्टवेयर के और IT कंपनियों के साथ मिलकर कोलाबोरेशन के साथ काम करती थी, लेकिन अभी पूर्ण रूप से ये कंपनी फाइनेंस के सेक्टर में आपको कामकाज करते हुए नजर आएगी। देखिए, फाइनेंस के सेक्टर में जो कंपनी काम करने वाली है, जो काम करती है, उनका फ्यूचर आने वाले समय में बेहतर है। और मतलब फ्यूचर के हिसाब से देखें तो जो कंपनी काम करती है फाइनेंस सेक्टर में, उस कंपनी के शेयर में तेजी आ सकती है, ऐसा मानकर चला जा सकता है। लेकिन सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं होता है किसी कंपनी को एनालाइज करने का कि ये कंपनी इस सेक्टर में काम करती है तो ये आगे ही जाएगी। और भी पैरामीटर्स होते हैं, सभी पैरामीटर्स को उसमें डिस्कस करेंगे। अब हम लोग सेकंड चीज़ देखते हैं, कंपनी का जो फंडामेंटल होता है। तो फंडामेंटल आपको पता है मार्केट के तकरीबन 200 करोड़ से ऊपर चला गया था, लेकिन चूंकि शेयर प्राइस अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो शेयर प्राइस के नीचे आने की वजह से मार्केट कैप कम होकर 194 करोड़ के आसपास रह गया। और जैसे जैसे शेयर प्राइस नीचे आते जाएगा, मार्केट कैप आपको पता है कंपनी का कम होता जाएगा। तो कंपनी तो वैसे भी पेनी स्टॉक, तो शुरू में अभी भी पेनी स्टॉक है, ये कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। शेयर प्राइस देखेंगे तकरीबन 2 रुपए के आसपास है, लेकिन अभी भी चूंकि स्टॉक का PE 100 के आसपास है, तो इसके हिसाब से देखें वैल्यूएशन वाइज स्टॉक का जो प्राइस है अभी भी महंगा है। आपको उठाना कहाँ पर है वो मैं जो चार्ट देखेंगे, जो टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। अच्छी बात यह है कि कंपनी का बुक वैल्यू माइनस नहीं है। कंपनी का जो ROE और ROC है वो भी पॉजिटिव है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में पैसा कमा कर देती है। अब लेकिन कहने का मतलब है कि यदि आपने काफी हाई लेवल पर बाई किया और वहाँ से प्राइस साल भर तक नीचे ही रह गया, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको मुनाफा नहीं होगा। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पे आपको बाई करना। टाइमिंग का काफी इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में, किस टाइम पे आप एंट्री ले रहे हैं और किस टाइम पे एंट्री ले रहे हैं। तो चलिए टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझ लेते हैं ये अभी हुआ क्या है और आगे आपको क्या करना है। 1 साल का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ, और 1 साल का चार्ट पर आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट लेवल था इसके लिए। यहाँ पर आप देखेंगे ये 1.40 रुपये के लेवल है और 1.20 रुपये, ये काफी इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसमें काफी समय तक इसमें कॉन्सोलिडेट किया था। और जब भी कोई स्टॉक कॉन्सोलिडेशन में फंसा होता है, उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट काफी लंबा होता है। ये डिपेंड करता है जितना लंबा समय तक कॉन्सोलिडेशन में रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस देखेंगे सीधे आया अपने इस लेवल के आसपास, जो कि 2.20 रुपये का लेवल है। हालांकि आपको पता है कि जब भी ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत होती है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर बढ़ा, फिर नीचे आया, अब क्या होगा फिर बढ़ेगा, और फिर यदि नीचे आ गया, और खासकर जो 1.80 रुपये का लेवल इसके नीचे आ गया, तब मुश्किल हो जाएगा। 1.80 रुपये के आसपास आके यदि मान लीजिए यहाँ पे समय बिताता है, और समय बिताने के बाद फिर प्राइस ऊपर निकलता है, तब 2.20 रुपये के ऊपर निकलेगा, और 2.60 रुपये, और फिर आपको इजीली 3 रुपये तक इसका शेयर प्राइस आपको जाते हुए दिख सकता है आने वाले समय में। तो अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको वेट करना है कि यहाँ पे प्राइस आने के बाद किस तरीके समय बिताता है, और यदि यहाँ से प्राइस नीचे निकलने लगता है तब तो आपको इसमें एंट्री नहीं लेना है, और यहाँ से यदि प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगा तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो इंडियन इंफोटेक के बारे में जो बातें थी मैंने आपको बता दी, मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक बात समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।